Good morning, smart learners. How are you? I hope you all are fit and fine. That's good. Welcome back in the class of GK. Today we will do lesson number 47, that is mental ability. स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है आपकी बुक में पेज नंबर 58 पर गिवन है. स्टूडेंट्स, आवर टुडेज टॉपिक इज मेंटल एबिलिटी. मेंटल इज रिलेटेड विद द माइंड एंड एबिलिटी क्या होता है कि हम किसी काम को किस तरह से परफॉर्म करते हैं. जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे बेटा मेंटल एबिलिटी. मेंटल एबिलिटी इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द फैक्ट्स. जब हम किसी भी प्रॉब्लम को बेटा सॉल्व करने के लिए उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स होते हैं उनको अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, उनके ऊपर लॉजिक अप्लाई करते हैं और उस प्रॉब्लम को हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? मेंटल एबिलिटी. तो बेटा आज आपको इस चैप्टर में क्या करना है, टिक द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स. आपको बेटा कुछ प्रॉब्लम्स गिवन है और उनके आगे आपको उनके ऑप्शंस गिवन है, तो आपने उन प्रॉब्लम्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और जो करेक्ट ऑप्शन है उस पर टिक लगाना है. ओके, चलिए बेटा आज आप इस चैप्टर को मेरे साथ करेंगे. फ्रेंड्स, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन द गिवन नंबर. आपको बेटा एक नंबर गिवन है, उसमें आपको 5 की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके, और ये आपको ऑप्शन गिवन है उसके लिए. फर्स्ट है 50, सेकेंड ऑप्शन 500, थर्ड 5000, इसी तरह से डी ऑप्शन आपको गिवन है 50,000. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी अगर नंबर गिवन है और उस नंबर में से हमें किसी डिजिट की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो हम कैसे करते हैं. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस नंबर में जितने भी डिजिट्स हैं उनका प्लेस लिखेंगे और वो भी इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग. तो 1 किस प्लेस पर है? 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़. ओके, तो हमने बेटा गिवन नंबर में जितने भी डिजिट्स थे उन सबका क्या किया, प्लेस लिखा. अब बेटा अगर हमें प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करते हैं, जिस भी डिजिट की हमें प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है उस डिजिट को हम उसके प्लेस से मल्टीप्लाई कर देते हैं. देखिए कैसे, हमें 5 की निकालनी है प्लेस वैल्यू, तो इस नंबर में 5 कहाँ पर है? 1s, 10s, 100 प्लेस पर. किस प्लेस पर? 100 प्लेस पर. तो इसकी प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 को बेटा उसके जो प्लेस है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे. 5 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना होगा? 500. वेरी गुड, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? 500. द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन द गिवन नंबर इज 500. अब देखिए आपको ऑप्शन में 500 कहां पर गिवन है? यस, ऑप्शन बी. तो हम ऑप्शन बी पर टिक लगाएंगे क्योंकि ये क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है. प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज 500. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, द सम ऑफ 900 प्लस 7 टेंस एंड 11 सेट्स ऑफ 6 इज इक्वल टू. आपको बेटा ये बताना है कि जो 900 है प्लस 7 टेंस और क्या है 11 सेट्स ऑफ 6, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा. ओके, आपको ऑप्शन गिवन है. अब आप देखिए बेटा कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे हम अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गिवन है 900 प्लस 7 टेंस. 900 को हम ऐसे लिखेंगे 900 प्लस 7 टेंस. जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा बेटा 970. ओके, नेक्स्ट आपको गिवन है 11 सेट्स ऑफ 6. 11 सेट्स ऑफ 6 का मतलब है बेटा कि 11 को हमने 6 से मल्टीप्लाई करना है. लाइक दैट 11 मल्टीप्लाई बाय 6. जब हम 11 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 66. ओके, अब नेक्स्ट कंडीशन क्या गिवन है, द सम. इन सब का हमें सम फाइंड आउट करना है, मींस उनको ऐड करना है. बेटा जब हम इनको ऐड करेंगे, इनका सम
करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए 6301। ओके, जब इसका सम फाइंड आउट किया तो हमारे पास आया 1036। ओके, तो अब अपने ऑप्शन में आपने ढूंढना है कि हमारा जो करेक्ट आंसर है वो कहां पर है। देखिए ध्यान से, यस ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज 1036। ऑप्शन सी पर आप टिक लगाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको क्या गिवन है, 8 किलोग्राम 250 ग्राम माइनस 6 किलोग्राम 100 ग्राम इज इक्वल टू, आपको ये गिवन है बेटा, आपने 8 किलोग्राम 250 ग्राम में से 6 किलोग्राम और 100 ग्राम को सब्ट्रैक्ट करना है, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका जो आंसर आएगा दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए कैसे लिखेंगे ये देखिए बेटा, मैम ने सबसे पहले यहाँ पर लिखा है किलोग्राम एंड ग्राम, और उनके नीचे जो उनके डिजिट्स गिवन है, फर्स्ट आपको गिवन है 8 किलोग्राम तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए, नेक्स्ट है 250 ग्राम तो ग्राम के नीचे हमने लिखा 250, इसी तरह से नेक्स्ट लिखेंगे 6 किलोग्राम 600 ग्राम। ओके, करिए इसको मेरे साथ, बताइए क्या आएगा, 0 5 2 माइनस 1 1। ओके, इसी तरह से जब 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 2, और इसके साथ हम क्या लिखेंगे बेटा, इनके यूनिट्स दैट इज किलोग्राम एंड 150 ग्राम, दैट इज योर आंसर। अब आप इसको क्या करेंगे, अपने ऑप्शन में फाइंड आउट करेंगे कि ये कहां पर है, यस ऑप्शन ए 2 किलोग्राम एंड 150 ग्राम दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन, तो हम ऑप्शन ए पर टिक लगाएंगे। ओके, नंबर 4 है बेटा, हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन एन ऑक्टागन, आपको बताना है कि बेटा ऑक्टागन में कितनी साइड्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑक्टागन पता होना चाहिए क्या होता है, अ प्लेन फिगर विद 8 साइड्स एंड 8 एंगल्स, एक वो फिगर बेटा, वो ऑब्जेक्ट जिसकी 8 साइड्स होती हैं उसे हम ऑक्टागन बोलते हैं। देखिए मैम ने यहाँ पर एक ऑक्टागन ड्रॉ किया हुआ है, चलिए इसकी साइड्स काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी साइड्स हो गई, 8। ऑक्टागन बेटा वो फिगर होता है जिसकी 8 साइड्स होती हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसके लिए, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी पर आप टिक लगाएंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बेटा आपको इक्वेशन का मीनिंग पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर मैम ने एक एग्जांपल लिया है इक्वेशन का, x प्लस 3 इज इक्वल टू 5। इक्वेशन में बेटा हमेशा दो साइड होती हैं, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, और जब हम उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वो दोनों साइड्स हमेशा इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पर हमें x की एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि जब उसे हम 3 में ऐड करें तो वो किसके इक्वल आए, 5 के। तो यहाँ पर क्या लिया मैम ने, x की जगह क्या पुट किया, 2, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई है, 2। इस तरह से बेटा हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया। आपने हमेशा याद रखना है बेटा, इक्वेशन में हमें नंबर्स की वैल्यू नहीं पता होती है और वो हमें फाइंड आउट करनी होती है, और हमें इस तरह से फाइंड आउट करनी है कि उस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आए। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको क्या करना है, देखिए विच नंबर विल कंप्लीट द इक्वेशन, बेटा आपको एक इक्वेशन गिवन है और यहाँ पर हमें नंबर फिल करना है, आपको बताना है कि यहाँ पर इस इक्वेशन को कंप्लीट करने के लिए कौन सा नंबर आना चाहिए। देखिए बेटा अब हम इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बेटा हमें डी एम ए एस ये रूल फॉलो करना है। आप पढ़ते हो इसको मैथ्स में, डी मीन्स डिवीजन, यानी कि हम डिवाइड करते हैं सबसे पहले, आफ्टर दैट मल्टीप्लाई, नेक्स्ट एडिशन एंड लास्ट इज सब्ट्रैक्शन।
ओके कोई भी इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है तो हम DMAS ये रूल फॉलो करते हैं। हमने इक्वेशन को लिखा बेटा, यहाँ पर हमें ये नंबर फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर जो नंबर है उसको हम एज्यूम करके चलेंगे, मानकर चलेंगे। अभी हमें नहीं पता ना कि क्या आना चाहिए यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया कि वो नंबर क्या है, एक्स है। ओके अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमें सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन सॉल्व करना है, दैट इज डिवाइड। जब हमने 8 को 4 से डिवाइड किया तो नंबर आया 2। ओके नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट कौन सा ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे, दैट इज मल्टीप्लाई। जब हम x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2x। यहाँ पर हम लिख देंगे इसको बेटा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 9। ओके नेक्स्ट देखिए, अब 2x को हम आगे देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, 2x को हम ऐसे ही रखेंगे 9। ये जो 1 है बेटा ये इधर जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस 1, 2x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4। तो हमारी x की वैल्यू क्या आई बेटा, 4। हमने क्या फाइंड आउट करना था, x। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, x की वैल्यू को पुट कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा नंबर 9। हमें यही फाइंड आउट करना था ना, तो देखिए आपके ऑप्शन में 4 कहाँ पर है, यस ऑप्शन बी, दैट इज योर करेक्ट आंसर। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर कौन सा नंबर आना चाहिए, नंबर 4। ओके नंबर 6, द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय 67905। आपने क्या करना है बेटा, इस क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है और उसके लिए आपको डिजिट्स कौन से गिवन है, 67905। इन डिजिट्स को यूज करके हमें एक ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है। जब भी हमें कोई ग्रेटेस्ट नंबर बनाना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वी कैन स्टार्ट विद ग्रेटेस्ट डिजिट। ठीक है, जो सबसे बड़ा डिजिट होता है उससे हम स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हम जो उससे छोटे हैं बेटा, जो उससे स्मॉलर डिजिट हैं उनको लिखते हैं। तो आपको डिजिट्स ये गिवन है, देखिए कैसे बनाएंगे हम ग्रेटेस्ट नंबर, वी कैन स्टार्ट विद ग्रेटेस्ट डिजिट। अब हमें बताना है सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सा है, सबसे बड़ा बताइए, यस दैट इज 9। हमने यहाँ पर क्या लिखा, 9। नेक्स्ट 9 से छोटा कौन सा है, अब दैट इज 7। वेरी गुड, आफ्टर दैट 7 के बाद क्या आएगा, 6। वेरी गुड, 6 से स्मॉलर कौन सा डिजिट है बेटा बताइए, यस दैट इज 5। एंड लास्ट इज 0। तो इस तरह से बेटा ये क्या बना हमारा, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, जो कि हमने इन डिजिट्स को यूज करके बनाया है। ओके तो देखिए अब आपके ऑप्शन में ये वाला नंबर कहाँ पर है, कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए बताइए, फाइंड आउट करिए, ऑप्शन ए बी सी या डी, 97650। यस दैट इज ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। तो हम ऑप्शन सी पर टिक लगाएंगे। ओके नेक्स्ट वी विल डू क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय 40785। इसमें आपने क्या करना है बेटा, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट एक नंबर बनाना है और उसके लिए आपको डिजिट्स कौन से गिवन है, 40785। ओके बेटा आपने ये ध्यान रखना है कि जब भी हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं देन वी कैन स्टार्ट विद स्मॉल डिजिट, हम एक स्मॉल डिजिट से स्टार्ट करते हैं और जीरो को हमेशा हम सेकंड प्लेस पर रखते हैं। ओके तो चलिए देखिए अब इन डिजिट्स को यूज करके हम स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कैसे बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन राइट 4,
जीरो को बेटा हम हमेशा सेकंड प्लेस पर लिखेंगे अगर आपको वो डिजिट्स में गिवन है। ओके, नेक्स्ट वो डिजिट लिखेंगे जो फोर से ग्रेटर है, बताइए कौन सा है। यस, दैट इज डिजिट फाइव। आफ्टर दैट सेवन, नेक्स्ट इज एट। तो इस तरह से बेटा हमने ये फाइव डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बनाया। अब आपको क्या करना है, ऑप्शन में चेक करना है कि आपको ये वाला नंबर कहाँ गिवन है, ऑप्शन ए बी सी या फिर ऑप्शन डी, बताइए देख के इसको। यस, दैट इज ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी पर हम टिक लगाएंगे। स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर एट है उसमें बेटा जो ऑप्शन आपको गिवन है उनमें करेक्शन है, आपने 0.8 के प्लेस पर 8 लिखना है। इसी तरह से ऑप्शन बी में 0.7 के प्लेस पर ओनली 7 लिखना है, 0.6 की जगह ओनली 6। इसी तरह से ऑप्शन डी में 0.4 के प्लेस पर ओनली 4। तो आपने बेटा अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर 8 में ये करेक्शन करनी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, 9 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 इज इक्वल टू, आपको बेटा एक इक्वेशन गिवन है इसे हमें सॉल्व करना है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बेटा हम डी एम ए एस इस रूट को फॉलो करेंगे। डी मीन्स डिवीजन, एम मल्टीप्लाई, ए एडिशन एंड एस सब्ट्रैक्शन। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 9 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2। तो सबसे पहले बेटा हम कौन सा ऑपरेशन सॉल्व करेंगे, दैट इज डिवीजन। बेटा जब हम 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखिए 9 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 5 1 माइनस 2, 5 को 5 से डिवाइड किया तो 1 आया। ओके, नेक्स्ट अब हम कौन सा ऑपरेशन सॉल्व करेंगे पहले, दैट इज एडिशन। 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10, वेरी गुड, 10 माइनस 2, 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 8, योर आंसर इज 8। अब आप देखिए आपका करेक्ट आंसर कौन सा है, दैट इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है बेटा वो आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए पर आप टिक लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट वी विल डू क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3। आपको बेटा ऑप्शन में कुछ नंबर्स गिवन है, आपने बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर जो है वो 3 से डिवाइड होता है। ओके, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, जितने भी आपको यहाँ पर नंबर्स गिवन है उनको हम इस तरह से लिखेंगे। फर्स्ट आपको गिवन है 6720, तो बेटा इन नंबर में जितने भी डिजिट है उनका हम एडिशन करेंगे। 6 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 15, इनका जब हम सम करेंगे तो क्या आएगा नंबर 15। इसी तरह से नेक्स्ट जो ऑप्शन है 5 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 7, इसका सम आएगा नंबर 14। नेक्स्ट ऑप्शन जो है 2 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 9 इज इक्वल टू नंबर 25। ओके, नेक्स्ट नंबर है 3 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 0 इज इक्वल टू नंबर 16। अब हमें बेटा ये चेक करने के लिए कि इनमें से कौन सा जो नंबर है वो 3 से डिवाइड होता है, हम क्या करेंगे, इनका जो सम आया है बेटा इन नंबर्स का 15, 14, 25, 16, इनमें से बेटा कौन सा नंबर है जो 3 के टेबल में आता है, दैट मीन्स जो 3 से डिवाइड होता है, बताइए। यस, दैट इज नंबर 15। 15 आता है ना 3 के टेबल में, बट 14, 25 और 16 ये तीनों 3 के टेबल में नहीं आते, दैट मीन्स बेटा ये जो नंबर है दैट इज डिविजिबल बाय 3, क्योंकि इस नंबर के जितने भी डिजिट हैं उनका जो सम है वो 3 के टेबल में आता है, दैट इज डिविजिबल बाय 3। तो ये पूरा नंबर भी क्या होगा बेटा, 3 से डिवाइड होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए 6720 इज डिविजिबल बाय 3। तो ऑप्शन ए पर हम टिक लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द सम ऑफ,
आपको बेटा कुछ नंबर्स गिवन है, उनका आपने सम फाइंड आउट करना है। कैसे करते हैं हम सम फाइंड आउट? उनको ऐड करके, ओके? और करेक्ट ऑप्शन पर आपने टिक लगाना है। तो आपको नंबर्स गिवन है, उन्हें हम बेटा इस तरह से लिखेंगे। जो आपको पॉइंट्स वाले नंबर्स होते हैं बेटा, उसमें हमें हमेशा ये ध्यान रखना होता है जब भी हम एडिशन करते हैं कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम डिजिट्स लिखते हैं। 1.2, 3.45, 6.78, ओके? तो अब हम इनको ऐड करना स्टार्ट करते हैं। करिए इसको आप मेरे साथ बेटा। 5 प्लस 8 कितना होता है? 13। 13 का हमने यहाँ लिखा 3 एंड 1, ओके? यहाँ लिखेंगे हम। आफ्टर दैट 2 प्लस 4 प्लस 7, और उसमें हम ये भी 1 ऐड करेंगे, प्लस 1 इज इक्वल टू नंबर 14। कितना आएगा जब हम इनको ऐड करेंगे? 14। 14 का 4 कैरी 1। नेक्स्ट इनको ऐड कीजिए, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 1 11, ओके? यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 11। और बेटा पॉइंट के प्लेस पर पॉइंट आएगा ऐसे, ओके? तो जब हमने इनको ऐड किया तो हमारा नंबर आया 11.43। अब देखिए आपके ऑप्शन में ये नंबर कहाँ पर गिवन है, कौन सा है आपका करेक्ट आंसर? 11.43, दैट इज ऑप्शन बी। 11.43 ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी पर हम टिक लगाएंगे, ओके? आई होप स्टूडेंट्स आपने इस लेसन को अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।